नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं टेक्स डॉक्यूमेंट्स और छोटे मोटे पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कि आप सभी ने अपने घरों में या ऑफिसेज में या फिर दुकानों में जरूर देखा होगा। लेकिन जब बात बड़े साइज के प्रिंट की होती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, किसी ब्रिज या डैम का ब्लू प्रिंट, तब आप इन जगहों में नॉर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही प्लॉटर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लॉटर की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये लगभग प्रिंटर की तरह ही होता है और इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स ऐसी इमेजेस होती हैं जिसे बनाने के लिए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे पॉइंट्स, लाइंस, कर्व, शेप्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं और ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। इस प्रकार के इमेज के साइज को हम जितना चाहे उतना कम या ज्यादा कर सकते हैं और ऐसा करने पर इमेज की क्वालिटी पर भी कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी बिना क्वालिटी खोए हम इस तरह के इमेजेस को किसी भी साइज में प्रिंट कर सकते हैं और यही वेक्टर ग्राफिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इन्हीं वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लॉटर का इस्तेमाल सामान्य रूप से बड़े आकार के मैप्स, ग्राफ्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल प्लान्स, पोस्टर्स, बिजनेस चार्ट्स आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर्स इमेजेस को प्रिंट करने के लिए इंक पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर्स में आर्म्स होते हैं जिसमें कि पेन्स लगे होते हैं। इमेजेस को पेपर पर ड्रॉ करने के लिए पेन्स पेपर के सरफेस में मूव करते हैं। प्रिंटर्स में पेपर को प्रिंट करने के लिए डॉट्स की सीरीज और टोनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लॉटर में पेपर पर कंटिन्यूस लाइन को खींचने के लिए पेन मार्कर या फिर किसी अन्य राइटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर में एक पेन से एक ही कलर की इमेज बनाई जा सकती है। मल्टी कलर्स की इमेज बनाने के लिए एक से ज़्यादा पेनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्लॉटर की हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले प्लॉटर का इन्वेंशन रेमिंगटन रैंड के द्वारा सन 1953 में किया गया था और इसका इस्तेमाल यूनिवेक कंप्यूटर के साथ टेक्नोलॉजी ड्राइंग बनाने के लिए किया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं प्लॉटर के टाइप्स की। तो प्लॉटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो पहले बात करते हैं ड्रम प्लॉटर की। तो ड्रम प्लॉटर में किसी इमेज को बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रम प्लॉटर को रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है। इसमें एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। ड्रम प्लॉटर में पेन को अप और डाउन मूव किया जाता है और साथ में पेपर को लेफ्ट और राइट करने के लिए ड्रम को रोटेट किया जाता है। इसमें एक मैकेनिकल डिवाइस लगा होता है जिसे कि रोबोटिक ड्राइंग आर्म कहते हैं, जो कलर्ड इंक पेन या पेंसिल के सेट को होल्ड करके रखता है। प्लॉटर्स में एक से ज़्यादा पेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये इसे अलग अलग कलर्स को ड्रा करने के लिए अलाउ करता है। ड्रम प्लॉटर में फाइबर टिप्ड पेन का उपयोग किया जाता है। यदि हाई क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ड्रम प्लॉटर ग्राफिक्स और बड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला आउटपुट डिवाइस था। ड्रम प्लॉटर एक इमेज को इंच प्रति सेकेंड में प्रिंट करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर की। तो फ्लैट बेड प्लॉटर को टेबल प्लॉटर भी कहा जाता है। इसमें फ्लैट बेड पर शीट या पेपर को रखा जाता है और इसमें दो तरह के रोबोट ड्राइंग आर्म्स लगे होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के कलर्स के पेन और कलर्ड इंक को होल्ड करके रखते हैं। ड्राइंग आर्म पेपर के ऊपर चलता है और पेपर पर इमेज को ड्रॉ करता है। इसमें प्लॉटिंग की एरिया भी वेरिएबल होती है। सामान्य रूप से फ्लैट बेड का आकार 20x50 फीट तक का हो सकता है। ये आसानी से बहुत से डिजाइन ड्रॉ कर सकता है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कार्स का स्ट्रक्चर, शिप का स्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट, शूज, ड्रेस डिजाइंस, रोड और हाईवे के डिजाइंस। तो फ्लैट बेड प्लॉटर थोड़ा धीमी गति से काम करता है और कॉम्प्लेक्स डिजाइन ड्रॉ करने में
बहुत सा स्मेल लग जाता है। फ्लैट बेल्ट प्लॉटर की इस स्लो स्पीड का कारण मैकेनिकल डिवाइस की मूवमेंट है, लेकिन आजकल के प्लॉटर में मैकेनिकल डिवाइस को थर्मल इंकजेट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर में बदल दिया गया है, जिससे प्लॉटर की स्पीड फास्ट हो गई है। इसके बाद अब बात करते हैं प्लॉटर्स की एडवांटेजेस की। तो प्लॉटर की मदद से पेपर की किसी भी बड़ी शीट पर डाटा को प्रिंट किया जा सकता है, और वो भी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के साथ। तो प्लॉटर्स में पेपर के साथ एल्यूमिनियम शीट, स्टील शीट, प्लाईवुड, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, इन सभी चीज़ों पर भी ड्रॉ किया जा सकता है। प्लॉटर की हेल्प से एक ही पैटर्न को हाई इमेज क्वालिटी के साथ हजारों बार बनाया जा सकता है। प्लॉटर डिस्क पर सभी पैटर्न्स और टेम्पलेट्स को सेव कर सकते हैं, जिससे एक ही पैटर्न और टेम्पलेट को बार बार लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद प्लॉटर की कुछ डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। तो प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर की कीमत अधिक होती है। सामान्य प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण किसी सीमित स्थान में प्लॉटर का उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्लॉटर में अधिक मेंटेनेंस की जरूरत होती है। प्लॉटर किसी इमेज को प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। ये प्लॉटर पोर्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण आप इसे अपने साथ कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रिंटर और प्लॉटर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। तो प्लॉटर के द्वारा बड़े आकार के इमेज को ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन प्रिंटर के द्वारा बड़े आकार के इमेज को ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। प्लॉटर की तुलना में प्रिंटर सस्ता होता है, जबकि प्लॉटर महंगे होते हैं। प्लॉटर का इस्तेमाल लाइन के द्वारा इमेज को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रिंटर में डॉट्स के द्वारा इमेज को ड्रॉ किया जाता है। प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है, जबकि प्लॉटर में ड्राइंग की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। प्रिंटर का साइज छोटा होता है, इसलिए इसे बहुत कम स्थान में रखा जा सकता है, लेकिन प्लॉटर को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। सभी प्लॉटर एक प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन सभी प्रिंटर प्लॉटर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।